This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 खबरें। नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार में 12 सीटें हासिल हुई है। पार्टी अभी एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने मुलाकात की। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर सिख समुदाय के सदस्यों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान जनरल सिंह बिंद्रावाला के पोस्टर भी दिखे और खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए। दिल्ली में पानी की कमी के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कई जगह टैंकर से पानी लेने के लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ रही है। लोगों को घंटे टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में इस सप्ताह की शुरुआत में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में बुधवार को मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली एनडीए की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। बैठक पूरी होने के बाद नायडू वापस आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के सीएम जुटेंगे। सभी को बुलावा भेज दिया गया है। 7 जून को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुंबई के चेंबूर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन नहीं होने से दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अगर दोनों दल एक साथ आते तो कई सीटों की तस्वीरें बदल सकती थी। मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से 3 पर शिवसेना यूबीटी ने जीत हासिल की है। इस पर शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि फतवों ने जीतने में मदद की है। नतीजों के बाद सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में है, लेकिन सीएम शिंदे के एक फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया। असम के डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब दे की मुखिया और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को रखा गया है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में है, जहां से उन्होंने पंजाब की सीट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। घरेलू शेयर बाजार में 2 दिन पहले चुनावी परिणाम वाले आई भयंकर गिरावट के बाद लगातार रिकवरी दिख रही है। आज गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन अच्छी रिकवरी की राह पर दिख रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनंत अंबानी की वेंचर वनतारा हर साल 10 लाख पौधे लगाने वाली है। वनतारा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुधवार को इस पहल की जानकारी दी। टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 2024 मिशन की शुरुआत बेहद शानदार रही। भारत ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ जीता। प्रभास की कल की 2898 ईडी में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बड़े बड़े सितारे अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। रणवीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले साल उनके एनिमल आई और इस पिक्चर में 915 करोड़ रुपए छाप लिए। इस वक्त वो नितेश तिवारी की रामायण की शूटिंग में बिजी है। शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा ने टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी को रिप्लेस किया था। अब इस शो में फिर एक बार 10 साल का लीप आने वाला है। ऐसे ही टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। धन्यवाद।